नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में जो कि निकल कर आ रही है इंटरनेशनल और IPL क्रिकेट से। और दोस्तों अगर आप एक IPL के और इंटरनेशनल क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो आपको ये वीडियो देखना बिल्कुल मस्ट है। और दोस्तों ऑक्शन आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम जो ऑक्शन की पल पल की अपडेट है वो भी कवर करने वाले हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज दिन भर की पहली बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है आयरलैंड से। दोस्तों आयरलैंड की जो टीम है, इंटरनेशनल टीम है, उन्होंने बेसिकली संजू सैमसन को उनकी तरफ से खेलने का मौका दिया है। जी हाँ, संजू सैमसन को कप्तान बनाने तक का उन्होंने ऑफर दिया है कि आप हमारी टीम की तरफ से खेलिए, हम आपको कप्तान भी बना देंगे। तो ये एक बड़ा ऑफर जो है वो दिया है उन्होंने, जहां पर उन्होंने बोला है कि अगर आपको भारतीय टीम की तरफ से मौका नहीं मिलता है तो आप हमारी तरफ से खेलिए। लेकिन दोस्तों अब आपकी क्या राय है, क्या संजू सैमसन आयरलैंड की तरफ से खेलेंगे? क्योंकि ये एक बेतुका सा ऑफर है, क्योंकि अगर संजू मान लीजिए उनको इंटरनेशनल टीम में मौका नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, उनको कुछ अमाउंट मिलती है तो वहाँ से उनकी अर्निंग हो रही है। और इसके अलावा IPL मेन होता है IPL, अगर वो BCCI को छोड़ करके आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड में जाएंगे तो उनको IPL में भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये मतलब थोड़ा सा घाटे का सौदा हो सकता है। बाकी आपके हिसाब से क्या जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है यहाँ पर नारायण जगदीशन को लेकर। दोस्तों नारायण जगदीशन ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं मुंबई और चेन्नई इन दोनों टीमों की तरफ से खेलने में इंटरेस्टेड हूँ, अब कौन सी टीम मेरे को लेती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों इतना तो कंफर्म है कि नारायण जगदीशन जो है ना वो काफ़ी महंगे बिकने वाले हैं इस ऑक्शन में। आपके हिसाब से कितने करोड़ में बिकेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों तीसरी अपडेट आ रही है यहाँ पर मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स को लेकर। दोस्तों श्रेयस गोपाल को इन दोनों टीमों ने जो है ना वो बुलाया था अपने ट्रायल्स में और दोनों टीमों ने इनके ट्रायल लिए और मुझे लगता है कि दोनों टीमें इंटरेस्टेड भी होंगी, क्योंकि राजस्थान के पास में चलिए चहल हैं और जो गोपाल हैं वो राजस्थान की तरफ से खेल चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए इन्होंने बुलाया। और इसके अलावा मुंबई जो है ना, मुंबई को सख्त ज़रूरत है एक रिस्ट स्पिनर की, तो इसीलिए श्रेयस गोपाल एक ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने इनका ट्रायल लिया है। देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम में ये जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों चौथी अपडेट की तो वो आ रही है RCB को लेकर। दोस्तों RCB की तरफ से माइक हैसन जो है ना वो ऑक्शन टेबल पर होंगे, ये कन्फर्म हो चुका है। AB de Villiers के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो माइक हैसन है वो कन्फर्म रूप से ऑक्शन टेबल पर रहने वाले हैं। लेकिन AB de Villiers जो है ना IPL 2023 के पहले RCB के मैच में ज़रूर अवेलेबल रहेंगे, इतना भी कंफर्म है। तो दोस्तों ये काफी बड़ी अपडेट दी, हमने सोचा कि आपको देनी चाहिए। पांचवी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है दोस्तों रोहित शर्मा को लेकर। दोस्तों दरअसल रोहित शर्मा को कल मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ थंब में इंजरी हो गई थी, उनका अंगूठा चोटिल हो गया था। बेसिकली वो एक डिसलोकेशन था, कोई फ्रैक्चर वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रोहित शर्मा जो है ना वो ओपनिंग में नहीं आए। और उसके बाद जब टीम को ज़रूरत हुई कि अब टीम हार सकती है तो वहाँ पर रोहित शर्मा आए और 28 गेंदों में 51 रन की ताबड़तोड़ पारी उन्होंने खेली और ये काफ़ी जज्बा उन्होंने दिखाया कि टीम के लिए नहीं, मैं पूरी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम जीतते जीतते रह गई उस मैच को, मतलब हारे हुए मैच को रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन वहाँ पर एक शॉट दूर रह गए वो, लेकिन फिर भी ये इनका जो कैरेक्टर है ना वो काफ़ी सराहनीय है। दोस्तों आपकी इन पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों रोहित शर्मा जो है वो वापस इंडिया जाएंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज उसमें वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, तो वो सारी चीज़ें होंगी, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो अपडेट ये है कि रोहित शर्मा जो है वो वापस जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है दीपक चाहर को लेकर। दोस्तों दीपक चाहर भी इंजर्ड हो चुके हैं वापस से। दोस्तों काफ़ी समय के बाद दीपक चाहर वापसी की थी इन्होंने क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से ये 4 ओवर डालकर इनको वापस से इंजरी हुई और यहाँ पर वापस से ये इंजर्ड हो गए हैं। और दोस्तों CSK के लिए ये काफ़ी बुरी खबर यहाँ पर साबित हो सकती है, क्योंकि 14 करोड़ की बड़ी अमाउंट में इन्होंने इनको रिटेन किया है और इनको रिलीज़ कर देते तो हो सकता है कि कुछ अच्छे प्लेयर ये खरीद सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दीपक चाहर की चोट कितनी गंभीर है, कितने समय तक वो फिट होते हैं और क्या वो IPL में अवेलेबल होते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान को लेकर। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उन्होंने अपने कप्तान घोषित कर दिए हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कौन से कप्तान, तो भैया IPL में तो संजू सैमसन कप्तान है, ये सबको पता है, लेकिन दो और टीमें राजस्थान रॉयल्स ने खरीद रखी हैं, वो खरीद रखी हैं साउथ अफ्रीका की T20 लीग में और कैरेबियन प्रीमियर लीग में। तो दोस्तों इन दोनों टीमों में साउथ जो राजस्थान रॉयल्स है उन्होंने अपने कप्तान घोषित किए, इन दोनों ही टीमों में जो कप्तान हैं वो हैं दोस्तों डेविड मिलर। अब दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, तो सनराइजर्स की तरफ से अपडेट है।
दोस्तों सनराइजर्स की तरफ से जो काव्या मारन है जो कि उनकी टीम की मालकिन है, मतलब कलानिधि मारन की बेटी हैं, तो वो जो है वो ऑक्शन टेबल पर प्रेजेंट होंगी। ये कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है क्योंकि दोस्तों ऐसा उनका मानना है कि जब भी ये ऑक्शन टेबल पर होती हैं, जिन भी खिलाड़ियों को खरीदती है तो वो उनके लिए लकी साबित होते हैं, तो ऐसे में काव्या मारन जो है वो प्रेजेंट होंगी ऑक्शन टेबल पर। और दोस्तों आखिरी जो अपडेट है वो आ रही है चेन्नई की तरफ से। दोस्तों चेन्नई का जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने धोनी से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ ऑक्शन टेबल पर आइए और खिलाड़ियों को खरीदने में हमारी मदद कीजिए। अब दोस्तों धोनी ये मतलब धोनी का क्या डिसीजन रहता है वो देखने वाली बात होगी। बाकी आपके हिसाब से क्या धोनी को आना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।